नेपाली रेंज पूजा में काफी सारे लोग यहाँ दिखाई देंगे। ये है गेट, भव्य गेट बनाया गया है। भव्य गेट के जस्ट बगल से ही ये द्वार बनाया गया है मंदिर आने के लिए, और वो पवित्र जगह है जहाँ भगवान राम सीता का विवाह हुआ था, और यही है हम लोग अभी। हम लोग काफी सौभाग्यशाली कि इस जगह पे आने का मौका मिला। भगवान राम सीता का विवाह स्थल काफी सुंदर, और यहाँ सीताराम सीताराम की धुन सुबह से चल रही है। यात्रा हमारी शुरू हो रही है जनकपुर से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मंडल, स्वागत है हमारे चैनल आर्यम क्रिएशंस में। आज आर्यम क्रिएशंस टीम कहां आई हुई है देखिए, यह है राम जानकी विवाह स्थल जो कि नेपाल के जनकपुर में, और हम लोग यहां आए हुए हैं सब परिवार। और अंदर का दृश्य आप लोग को दिखाते हैं, अंदर चलकर पंडित जी से बातें भी करते हैं और उनसे जानते हैं इस रहस्य के बारे में, इस स्थान के बारे में, यह राम जानकी विवाह स्थल के बारे में। चलिए चलते हैं ऊपर। यह भगवान राम जानकी विवाह स्थल है, काफी सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये सिंहासन में राम सीता दोनों बगल का है, सीता का साथी। हाँ, ये लड़की पति लड़का पति, इसमें जनक जी महाराज, सुनैना माता, हाँ वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सीता को काका काकी, भाभी रे भाभी, इधर दशरथ जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र। इस तरफ लड़की पक्ष, लड़की पक्ष है, इस तरफ लड़का पक्ष, लड़का पक्ष है। मैं आज आया हुआ हूँ राम जानकी विवाह स्थल जनकपुर में जो कि नेपाल में है, और मेरे साथ हैं मुख्य पुजारी, इस राम सीता विवाह स्थल के मुख्य पुजारी अरुण झा जी। इस स्थल के बारे में कुछ बताइए आप। यहाँ पर सीता जी चारू बहन और राम जी चारू भाई का त्रेता युग में जो शादी हुआ वही काल्पनिक दृश्य है, यही जगह है। सिंहासन में जो दो आदमी बैठे हैं, दक्षिण से राम जी बैठे हैं, उत्तर साइड से सीता जी बैठे हैं, और दोनों बगल में जो लड़की खड़े हैं वो तो सीता जी की सहेली चारूशीला और चंद्रकला। इधर से जनक जी का परिवार हुआ, इधर से दशरथ जी का परिवार, यानी इधर से लड़की वाले हैं, इधर से लड़का वाले हैं। लड़की वाले में सबसे आगे जनक जी महाराज बैठे हैं, और जनक जी का पत्नी है सुनैना, सीता जी की धर्म की माता पिता है। सीता जी अपने धरती से प्रकट हुई थी, धरती से प्रकट हुई थी, यहाँ से 55 किलोमीटर दूरी है, जो कि इंडिया में है। हाँ जी, अभी इंडिया है, पहले नेपाल था, जनक का खेती बाड़ी वहीं पर था। अच्छा, वहाँ से जनक जी उठा करके अपना महल में रखे थे। बड़े मंदिर जो देख रहे हैं जनक का महल है, बीच में जो बैठे हैं पुस्तक लेकर के गुरु सतानंद जी है, जनक जी का कुल पुरोहित, वही शादी करवाए थे। इधर से कुशध्वज जनक का छोटे भाई, भाई का बहू है सुदर्शना, सीता जी की चाचा चाची लाए थे। पीछे में दो खड़े हैं, जनक का लड़का लड़का का बहू है, लड़का का नाम हुआ लक्ष्मी निधि, उनका बहू का नाम हुआ श्री सिद्धि। अब लड़के वाले में देखो सबसे आगे चक्रवर्ती राम जी का पिता दशरथ जी, समधि समधि सामने बैठे हैं, बीच में गुरु वशिष्ठ मुनि, इधर से साइड वाले विश्वामित्र जी,
क्योंकि राम जी के यही विश्वास में जो कि अयोध्या से यहाँ तक लाए थे। बाकी लोग जितने देख रहे हैं खम्भे में चौ तरफ तीनों त्रिलोक का देवी देवता जो आए थे बाराती लोग, जहाँ शादी हुआ, शादी होने के बाद में हम लोग कहते हैं मिथिलापुरी में कोहबर घर, नीचे चारू कोने में चार कोहबर घर है, अपने अपने पत्नी को साथ में नीचे बैठे हैं चारू कोने में। यहाँ राम जी नारायण के रूप में दर्शन दे रहे हैं, सीता जी लक्ष्मी के रूप में। यहाँ पर जैसे घर में लड़की बहन को शादी में आप लोग कन्यादान करते हैं, यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, अमेरिका, रूस, जापान, थाईलैंड, जहाँ कहीं जाओ यहाँ लगता है कपड़ा, सोना, चांदी, भाड़ा, बर्तन, गहना, जेवर, क्या लेकर के आते हैं कन्यादान करने के लिए। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा, मैंने सुना है कि प्रतिवर्ष यहाँ जैसे पहले विवाह हुआ था, प्रतिवर्ष विवाह की रस्म पूरी की जाती है, तो यह किस महीने में होता है? अघन शुक्ल पंचमी को दिसंबर में होता है, 13 तारीख को होने जा रहा है। उस समय में अयोध्या से बारात भी आती है, अगला साल आप लोग को मोदी भी आए थे यहाँ, बहुत धूमधाम से शादी किए थे, और इस बार योगी भी आए थे यहाँ बारात के शामिल होकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यहाँ पर प्रतिवर्ष जैसे राम सीता का विवाह हुआ था, प्रतिवर्ष अभी भी वह प्रक्रिया पूरी की जाती है और राम सीता का विवाह फिर से प्रतिवर्ष यहाँ संपन्न किया जाता है, बड़े धूमधाम से किया जाता है। अयोध्या न्योता भेजा जाता है, अयोध्या से फिर बारात आती है और फिर यहाँ शादी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पंडित जी ने बताया, चारों तरफ देवी देवता एक दिवाले में उनको सजाए गए हैं, यहाँ पर चारों तरफ देवी देवता जो कि विवाह में आए हुए थे। इसको दीप बनाया गया है, देखिए लाइन से इसको प्रज्वलित किया जाता है शाम के टाइम पे, देखिए लाइन से दीप बनाया गया है एक राउंड पूरा। नेपाल की कलाकृति देखिए आप, बहुत सुंदर डिजाइन बनाया जाता है इस तरह, काफी सुंदर कलाकृति, काफी सुंदर। आपको पूरे नेपाल में इस तरह के घर भी देखने को मिलेंगे और इस तरह मंदिर को बनाया जाता है, काफ़ी सुंदर कलाकृति। यह लकड़ी और टीन से निर्मित है, ये ऊपर के एरिया जो दिख रहा है आपको टीन और लकड़ी से निर्मित है ये, और काफ़ी सुंदर कलाकृति से सजाया गया है इसको। दोस्तों, हम लोग आए हुए थे राम जानकी विवाह स्थल नेपाल में के जनकपुर में, और मैंने दिखाने की कोशिश की है इस जगह को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिथुन, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। बुढ़िया कुछ बोलोगे यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हम लोगों को बहुत एंजॉय किए। हम लोग आगे और एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स को हमारे साथ जुड़े रहिएगा बिल्कुल, आगे और भी बहुत मजा होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय फ्रेंड्स। अगर कभी आप नेपाल आए तो जनकपुर जरूर आए। हम लोगों ने यात्रा जनकपुर से शुरू की, हम लोगों ने सोचा लोग काठमांडू या फिर रक्सोल बॉर्डर से अंदर घुसते हैं या फिर सोनौली बॉर्डर से अंदर घुसते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए और अलग करने की चाह में हम जनकपुर सबसे पहले आए। हम लोग बिहार के मधुबनी के पास से हम लोग आए इधर और डायरेक्ट जनकपुर आए, और जनकपुर से हम अभी जाएंगे काठमांडू की ओर। चलिए, अयोध्या की सफर इसके बिना अधूरा है, क्योंकि अयोध्या में राम जी की आधी कहानी थी, राम सीता की आधी कहानी यहाँ आपको मिलेगी। चलते हैं आगे की ओर काठमांडू, और वहाँ आप लोग को दिखाते हैं जनकपुर और काठमांडू का रोड दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, कितना खतरनाक घाटी है, कैसा रोड है, सब दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। चलते हैं आगे की ओर, अभी विवाह स्थल से हम लोग निकल रहे हैं अभी, और बस स्टॉप जाएंगे और वहाँ से बस लेंगे और जाएंगे काठमांडू। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी नेपाल में है तो जय नेपाल। ये है नेपाल की खूबसूरती, कितने ऊंचे पे हैं हम, सोचिए कितने ऊंचाई पर हैं हम, अभी बहुत ऊपर चढ़ गए हैं हम लोग अभी तक। खूबसूरत नज़ारा है, देखिए नीचे भी रोड है।